कुछ है वो कर रहा है, वो जिम्मेदार है, वो अपना काम करता है, देखने का अपना नजरिया है। जैसे भी पुनीत ने कहा कि राम ने भी लॉबिंग की, कृष्ण ने भी लॉबिंग की, किसके लिए की, किस पर्पज के लिए की, ये इंपॉर्टेंट होता है। आप राम पर सवाल करते हैं तो कहते हैं कि शंभू वध किया उन्होंने, बाली वध किया उन्होंने, इसलिए राम सवालों के घेरे में है। कृष्ण पर सवाल करते हैं तो कहते हैं कि अश्वत्थामा का वध कराया, कर्ण का वध कराया, द्रोणाचार्य का वध कराया, बहुत सारे वध कराए, इसलिए कृष्ण गलत है। किसी भी आदमी को देखने के दो आयाम होते हैं, आप कैसे देखते हैं ये बड़ा जरूरी है। इसी तरीके से हम समाज में और देश के भीतर जो सवाल, वो सवाल सरकार और सवाल हाँ सरोकार और जो सरकार का मामला है, ये सिर्फ हमारे परसेप्शन का है। आज की तारीख में संपादक या जो लोग इस मीडिया में काम कर रहे हैं उनका विवेक जो है उसका सरोकार ज्यादा हो गया है, उनकी समझ का सरोकार, यानी कि मेरी जो बुनियादी बनावट है उसी लिहाज से मैं चीजों को देखूंगा समझूंगा। इसलिए जो चीजें लगातार आ रही हैं, जैसे अनुराग ने कहा कि 2020 का मतलब कि डिजिटल मीडियम, हर आदमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, हम कई प्लेटफॉर्म पे एक साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक ही आदमी फेसबुक पे है, ट्विटर पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, और वो अपने चैनल में काम करता है, तो कई प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन वो कई प्लेटफॉर्म पर एक सा ही होगा क्योंकि उसकी बुनियादी बनावट एक सी है। ओके राणा, तो यही है कि मुझे लगता है कि वो विवेक का सवाल ज्यादा क्रॉस दिस बाय 5 मिनट्स, आई एम वेरी सॉरी। बड़ा सवाल ये है कि हम जो अभी बहस कर रहे हैं वो बहस कंटेंट को लेके हो रही है, टेलीविजन का कंटेंट। न्यूज़पेपर नहीं मरेंगे, टेलीविजन नहीं मरेगा, वही रहेगा जहाँ रहेगा, लेकिन हम जो एडिटर है, जैसे राणा यशवंत कह रहे थे थोड़ा इमोशनल होके, हम एडिटर्स ने बनाया क्या है न्यूज़ में, सांप, बिच्छू, मटकनाथ, कितने करेक्टर बनाए हैं हमने, उसके बाद अब एंडअप कहाँ हुए हैं, 2020 फास्ट खबरें, 6 विंडो बना करके बहस करा दो, बस खत्म हो गया काम। Where have we performed our duties? Have we given you stories? Why do we need Sarkar in the newsroom? Why are we over obsessed with the politics? Aren't there stories? That's why people are not watching TV. That lady there, she doesn't want because she don't want to see that bullshit. हमारी जो व्यवस्था थी मिडिल क्लास की वो ये थी कि एक घर का ब्रेड अर्नर था, वो उसके हाथ में रिमोट होता था, उसको 9 बजे वो ब्रेड अर्न करके आता था, वो प्राइम टाइम बुलेटिन प्री सेटेलाइट ईरा में देखता था। उसके बाद अभी भी टेलीविजन का जो रिमोट है वो घर पे जो पैसा कमाता है उसके पास होता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो जो रिमोट वाला बैठा है उससे पहले आपके बच्चे कान में वो अपने हेडफोन्स और उस पर नेटफ्लिक्स पे वो कंटेंट सारा देख के आ चुके हैं जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सवाल यहां पर यह है कि हम ये ना कहें कि टेलीविजन खत्म हो जाएगा या टेलीविजन में बुलशिट कॉन्टेंट है, लॉन्ग फॉर्मेट है। सांप बिच्छू नाग से बहुत अच्छा हो गया है आज, मैं मानता हूं, मैंने वो दौर देखा है सांप बिच्छू के वक्त में जब मुझे लगता था कि मैं छोड़ दूं पत्रकारिता, कहीं और चला जाऊं, मैं कुछ और कर लूं आज। लेकिन हमें और इनोवेशन स्टोरी टेलिंग जो है लॉन्ग फॉर्मेट से शॉर्ट फॉर्मेट करनी होगी, उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कॉपीज लिखनी पड़ती है, एडिट करनी पड़ती है। हम तो टेलीविजन वाले हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वीडियो को कन्वर्ट करने का, लेकिन जो प्रिंट के लोग हैं, जो बड़े बड़े प्रिंट पब्लिशिंग हाउसेज है, वो वीडियो के लोग ढूंढ रहे हैं आज, क्योंकि वीडियो की कंजम्पशन ज्यादा है, रेवेन्यू की पाई वीडियो में ज्यादा जाएगी, और इन शॉर्ट में चाहिए मुझे, मुझे डेटा एनालिसिस चाहिए, मुझे एक स्टोरी में क्या चाहिए, मुझे विजुअल चाहिए, मेरे को डेटा एनालिसिस में एक छोटा सा इंफोग्राफिक चाहिए जो मुझे बता सके फटाफट से 2 मिनट में, मुझे ऐसी स्टोरीज बनानी है और ऐसे लोग बनाने हैं, और ऐसे ही लोग जो स्टोरी बना पाएंगे वो सर्वाइव करेंगे। टीवी स्क्रीन एक बहुत छोटी चीज होने जा रही है, कंटेंट की इस दुनिया में आप नहीं समझ रहे हैं, 50 करोड़ मोबाइल सेट्स हो गए हैं, जो हो गए हैं। एक छोटी सी बात कहूंगा रोहित जी, बहुत छोटी सी बात है, अभी जो टीवी देखते हैं हमारा टीआरपी आता है उसमें 35+ वो टीवी के सामने रिमोट लेकर के बैठे इडियट बॉक्स के सामने, लेकिन जो 15 से 35 साल के लोग हैं जो कि 65% ऑफ आर पॉपुलेशन है, वो नहीं देखता है जी टीवी, दैट लेडी इज अमंग अस देम, She's young. वो उस क्यों देखे टीवी जब जहां बैठे आपके मोबाइल पे सब कुछ मिल रहा है, और ये तादाद बढ़ती जाएगी, they'll take over, उनके कंजम्पशन का स्टाइल बढ़ जाएगा, इसलिए हमको उसको केटर करना है, वो भविष्य है। थैंक यू। मैं ब्राक्टा के किसी बात से सहमत नहीं हूं, बिल्कुल लोग टीवी देखेगा, आज भी लोग टीवी देखते हैं, 15 से 35 साल के सिर्फ 15 करोड़ लोग आज तक ही देखते हैं, इसलिए मुझे पता है कि लोग टीवी देखते हैं और टीवी देखेंगे।
लेकिन मैं फिर बात बता रहा हूं, चाहे वो किसी भी दौर रहा हो, कभी भी किसी, आप किसी भी दौर में चले जाएं, टेक्निक में बदलाव हो सकता है, चीजें बदल सकती है, सभी कुछ हो सकता है, लेकिन आज भी जो जो न्यूज के साथ जुड़ा हुआ जो चीज है, जो टर्म है, जैसे जो हम लोग कहते हैं फोर्थ स्टेट है, जो उसके साथ जुड़ा हुआ है निष्पक्ष भरोसेमंद, आप यदि वो निष्पक्ष और भरोसेमंद पत्रकारिता करेंगे तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी पे करें, किसी भी सिस्टम आ जाए, कुछ भी आ जाए, लोग उसको देखेंगे। और इसीलिए आज भी जब भी कोई बड़ी खबर होती है, जब भी कोई बड़ा मौका होता है, लोग टीवी पे आते हैं, देखते हैं। ऐसा नहीं कि बजट लोग जाकर सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो आकर देखते हैं टीवी पर कि क्या हो रहा है, क्या है, और उसके बाद अगले दिन वो अखबार भी पढ़ते हैं जो समझने के लिए क्या हो रहा है। इसलिए ये सारी चीजें अच्छी लगती है, ठीक है, समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है, हम लोग भी बदल रहे हैं, खबरों का अंदाज बदल रहा है, खबरों का तरीका बदल रहा है, लेकिन जो हमारी मूल भावना है, मैं बार बार फिर उसी पे बोलूंगा कि हमें निष्पक्ष होना चाहिए, हमें क्रेडिबल होना चाहिए, और हमें इस बात पे हमेशा जोर देना चाहिए कि हम, मैंने जो हमारा मूल काम है, हम उसके साथ किसी भी रूप में किसी भी तरह से धोखा न करें। जो हमारा काम है लोगों को सही खबर देना, निष्पक्ष खबर देना, वो खबर देते रहें और लोग 100% टीवी देखेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। रही बात सर आपका बड़ा स्पेसिफिक सवाल था, वो एंकर चाहे फेसबुक सोशल मीडिया पे कुछ भी करें, लेकिन चैनल पे हमारी कोशिश होती है कि हम उसको एक लिमिटेड वे में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कि वो निष्पक्ष होकर अब खबरें पेश करें, वो हम कोशिश करते हैं। हम ये दावे के साथ तो नहीं कर सकते कि 100% वो इम्पार्शियल ये होते हैं, कहीं ना कहीं उनका विचार आता है। देखिए विचार जो एक रोहित जी ने भी कहा था, क्या दिक्कत है यदि लोगों के विचार सामने आए तो। देखिए मैं भी 20 साल से, मैं 18 साल का कब का हो गया हूँ, तब से मैं भी वोट डालता हूँ, मैं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ही वोट देता हूँ, मेरे भी कुछ विचार हैं, किसी को मैं भी पसंद करता हूँगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मैं अपने काम में भी उसको झलकाऊं। मैं कोशिश करता हूँ, आप मेरे ट्विटर पे या इस पे जाके नहीं बता सकते हैं कि मैं किसको पसंद करता हूँ नहीं करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके फेयर होके निष्पक्ष होके खबर दे सकूँ, ये काम जरूरी है। ठीक है, पसंद नापसंद तो सबका होगा अपना, कोई ना कोई जब वोटिंग राइट है पॉलिटिकल पार्टी सबको कोई ना कोई पसंद होंगे कुछ होंगे, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग काम में उसको ना आने दें, अपने विचार को और अपनी पसंद को। थैंक यू। We'll end with Smita, but we'll start with Tarun so that we culminate on there. So, I have 4 quick points. First one is Nile, like the Nile River, which is news in live environment. By 2020, 600 districts across the country, 600 district headquarters, and one reporter in each district who will report news live, because we will have broadband till then. Now we don't have, by 2020 we will. Second is what I call simplified tablet format television. What is simplified tablet? So editors always have a problem that we can't show serious news because koi dekhta nahi hai, to thoda masala dikhate hain, thoda saas bahu dikhate hain. That will be less because abhi middle class ko ye janna hai ki long term capital gains tax pe 10% kyun tax lagaya, isse kaise bache. So, but you have to don't use big words in English. As an editor, my job is to use the most simple words because my consumer doesn't have time to decode. He wants to know it quick and fast. So simplified tablet form of journalism. Third is special content will have viewers. What is special content? Way back in 2007, a Hindi channel known as India TV showed an interview of Lee Kuan, who is the architect of Singapore, which was, I think, Rohit Bansal did it in his editorial attar. I think. I cannot confirm or deny. But this was 10 years ago. I saw an excellent coverage on the drought in Maharashtra by Rana Yashwant in 2014. I did not see the channel then, but I saw that report on YouTube. So I'll conclude by saying that we should not confuse the message with the medium. A ma'am who questioned here said that maine na TV nahi dekha hai. But aap jo content Twitter pe dekh rahe hain, wo TV se hi aaya hai, kyunki wo TV pe air hua, phir 2 minute baad Twitter pe upload hua, and you watched it there. Or a TV reporter has even written a report on a digital website. So aapne TV ki report website par padh li. So we must never confuse medium and message. Both are distinct. We are traders of the message, but medium will rule us because we are all victims of the medium, and broadband is the current medium. Thank you. Thank you, Rohit. Thank you, everyone. I would say what I like to see in 2020 is everything is going to be in play. It's like the orchestra. It would be the phone or the TV, as Supriyaji said, that everything will be a play and will be important. What I would like to see is fair and balanced, as it says in Fox, but more importantly is to evoke the emotions and compassion and humanity, because that is very important, and that's what you all lead with, and that's what is important to highlight, so that is the India that beats, that's the message, that's the news. You will all find your niche, because it's a way that everything from disruption comes an eruption, and you have how things settle down, and there's a way forward.
So with that, I think there'll be there's a great future for news, and especially in India, because everybody loves to know masala stories. I can guarantee you, sir, that in the next election, 2020, hindsight, will you be saying, yes, he is a great president and he'll be winning again. And we'll still control both houses. Can you hear me? Oh, okay. So, of course, everybody's riled up over one comment that I don't watch television anymore, I guess, because all of us in television. You'll continue. The best part about this is that you have options today. It's like there's ketchup with imli and there's ketchup with chili sauce, there's ketchup with, or don't have ketchup, no, have mint chutney. That's up to you, right? So the best part what liberalization did for us is open up our economy and open up the media for us, and now you have a choice. We will survive regardless of which option you take, because those of us who survive are the ones who will change with the times. The point about fake news, I don't see that going away in 2020. I don't think any of us have any solution to fake news. We rack our brains, try to stop fake news from coming into our usage, from our broadcasts, but unfortunately it does seep in, because as we talked about WhatsApp making its way into our Google feed, it comes into our telephones, and it somehow or the other makes it to the newsroom. So we still haven't found a solution to fake news, and hopefully we will. When it comes to political biases and fairness, I'm afraid even that, no channel, no newspaper, let me tell it to you honestly, no channel, no newspaper is unbiased. Everybody has biases. There are times in the day that you might find a bias suiting you, so you might feel that it's unbiased. But it's only at times in a day. So I feel okay. So I feel that you are the ones who have to decide what biases suit you and what biases are the minimum. Thank you. Thank you. So on this extremely divergent yet extremely, I think, rich note, I want to thank each one of you here, Tarun, Puneet, Smita, Supriyoji, Sanjay Bragta, Rana Yeshwan, thank you very much. And on your collective behalf, may I propose a round of applause. Can we have a huge round of applause, please? Thank you all. Please stay on stage.